नवासन। आज हम नवासन का सपोर्ट के साथ अभ्यास करेंगे और इसके थेरेप्यूटिक फायदों के बारे में भी जानेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं नवासन। नवासन के अभ्यास के लिए हमें एक स्टूल और एक बोलस्टर चाहिए। सबसे पहले बोलस्टर को अपने पीछे रख लीजिए और स्टूल को अपने आगे की तरफ, कुछ इस तरह जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले बोलस्टर को उठाते हुए अपनी थोरैसिक स्पाइन यानी कमर के पीछे के हिस्से पर लगाएंगे और धीरे धीरे पीछे लेट जाएंगे। फिर अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए स्टूल पर रखेंगे। चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाकर रखें ताकि ब्रीदिंग डीप एंड नॉर्मल रहे। नवासन का सपोर्ट के साथ अभ्यास करने से ब्रीदिंग स्टमक से होती है और पोस्चर बिल्कुल करेक्ट रहता है। स्टमक प्रॉब्लम के लिए नवासन काफी उपयोगी है। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में नवासन का निरंतर अभ्यास काफी लाभकारी है। बेली फैट कम करने के लिए नवासन का सपोर्ट के साथ निरंतर अभ्यास काफी लाभदायक है। हर्निया पेशेंट नवासन का अभ्यास सपोर्ट के साथ ही करें ताकि उचित लाभ प्राप्त कर सकें। महिलाएं प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुएशन में नवासन का अभ्यास मत करें। सपोर्ट के इस्तेमाल से नवासन का अभ्यास 3 से 5 मिनट तक किया जा सकता है, जो बिना सपोर्ट के संभव नहीं है। 3 से 5 मिनट अभ्यास के बाद वापस नॉर्मल स्थिति में आएंगे। सबसे पहले पैरों को बेंड करते हुए नीचे लेकर आएंगे, फिर पैरों का और बोलस्टर का सहारा लेते हुए बैठ जाइए, फिर बोलस्टर को साइड करते हुए थोड़ी देर के लिए विश्राम अवस्था में सीधा लेट जाइए और आसन को महसूस करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि इस आसन का अभ्यास थेरेप्यूटिक योगा टीचर की प्रेजेंस में करें या हमसे आकर मिलें और थेरेप्यूटिक योगा का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल लिव विद योगा को सब्सक्राइब करें और हमारा पता है लिव विद योगा, प्लॉट नंबर 141-142, रीगल रेजिडेंसी, लेन नंबर 5, निर्माण नगर, विश्वकर्मा मार्ग, जयपुर, राजस्थान, इंडिया।